तो चलिए चलते हैं। देखिए ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? तो सिंपल सा है कि जब हम कोई भी अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को एक्सेस करते थे, या कोई फाइल अपलोड करते थे, या कोई फाइल डाउनलोड करते थे, या ईमेल भेजते थे, या वीडियो डाउनलोड करते थे टोरेंट से, आईडीएम से, तो क्या हो रहा है? डाटा कम्युनिकेट हो रहा है कहाँ? ओवर द इंटरनेट एंड बिटवीन यू। तो होगा क्या कि जो डेटा जा रहा है, आ रहा है अपने कंप्यूटर पर, कहाँ से? इंटरनेट के जरिए, कहीं से भी, या इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर आ रहा है और जा रहा है। तो वो जो डाटा जा रहा है वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जाएगा। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? आपने इंटरनेट में और इस इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर रूल्स बने हुए हैं किसी चीज़ के लिए, उन रूल्स के सेट को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड, नीचे दे दे सेगमेंट, प्रोटोकॉल, फ्रेगमेंट और फ्रेम। तो अपन को क्या करना है? अपन को करना है प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कई टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे आपको मोस्ट फेमस प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, IPX, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। ये प्रोटोकॉल क्या है? ये पर्टिकुलर अपने अंदर रूल्स की डेफिनेशन रखे हुए हैं कि मुझे ऐसे काम करना है, और वो रूल्स को ही फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, तो डेटा कोई भी जाए, तो उन्होंने क्या किया, ये बनाया किसने था? OSI मॉडल। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, OSI का अपोजिट करने पर क्या होगा? ISO। ISO से आप सब फेमस होंगे, वाकिफ होंगे, नहीं है तो मैं बता दूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड क्लास का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर चीज के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है, रूल्स बनाता है, प्रोटोकॉल बनाता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए। कोई डाटा जा रहा है, कोई नया ऐप आया, कोई नई एप्लीकेशन आई, तो वो पर्टिकुलर डिसाइड करता है। जैसे कोई, तो सेम सिचुएशन हियर, कोई भी डेटा पैकेट कम्युनिकेट करे इंटरनेट के साथ, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए बाकायदा, और नेटवर्क में जैम नहीं लगे, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये ISO ने बनाया था, 1988 के समथिंग बनाया था। इसका जस्ट अपोजिट है OSI मॉडल। ठीक है, देता हूँ, कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डाटा प्रोसेस। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डाटा प्रोसेस। दूसरा भी मैं बता देता हूँ आपको, ऑल पीपुल सीम टू नीड डेटा प्रोसेस, ऑल पीपुल सीम टू नीड डेटा प्रोसेस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी 7 लेयर सिस्टम। तो 7 लेयर सिस्टम याद करने का फंडा तो और अपन अभी पढ़ेंगे डिटेल में, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, मैं फिर बता रहा हूँ, पेन कॉपी लेके बैठ के कंसंट्रेट होके देखिए, और आपके साथ कोई और है तो अकेले में जाइए और इसको समझिए, क्योंकि आज अगर आपने ये अच्छे तरीके समझ लिया तो लाइफ टाइम काम देगा ये। ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे इसमें से, OSI में से 100%। सबसे पहली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है? कोई भी यूजर कंप्यूटर का, या कंप्यूटर इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या इंटरनेट पर ईमेल भेज रहा है, या कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, या अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, तभी तो वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। जैसे उसको वीडियो चैट करनी है, ठीक है, या ऑडियो चैट करनी है, तो फेसबुक मैसेंजर, याहू मैसेंजर यूज़ करेगा। तो ये मैसेंजर, याहू मैसेंजर या फेसबुक मैसेंजर क्या है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसको, यूज़र को इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए ना, तो याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर। अब मान लो उसको ईमेल भेजना है, तो ईमेल किससे भेजेगा वो? ब्राउज़र से। मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, एप्पल का सफारी हुआ, गूगल का क्रोम हुआ, ये सारे ब्राउजर्स चाहिए नहीं, ये भी एप्लीकेशन है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो ब्राउजर्स होते हैं वो HTTP पर काम करते हैं। ठीक है, तो HTTP में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मैंने गूगल खोला, तो गूगल खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? ब्राउजर चाहिए।
जैसे मुझे वीडियो चैट करना है तो फेसबुक मैसेंजर चाहिए, याहू मैसेंजर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे ईमेल भेजना है तो मुझे गूगल क्रोम चाहिए, ब्राउज़र चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं यूज़र हूँ और मुझे इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो यूज़र का इंटरफेस करेगा यूज़र के साथ वो एप्लीकेशन कौन सी लेयर में आएगा, एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए इंटरनेट से यूज़र इंटरफेस करेगा या कम्युनिकेट करेगा वो कौन सी लेयर में आएगी, एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, अब देखिए इसमें कई सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो अपन को फोकस करते जाना है कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा था। इसी में से एक या दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बनेगा कि राउटर स्विच हब कौन सी लेयर में यूज होते हैं, पर्टिकुलर पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन बनेगा कि यूडीपी या एफटीपी या एचटीटीपी या कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो अपन को उन गहराइयों पर ध्यान देते हुए अच्छे तरीके से लेक्चर को समझना है। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी फाइल है। ठीक है, फाइल मीन्स आप वीडियो चैट कर रहे हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड होके जा रही है वो भी फाइल है, आप ऑडियो चैट कर रहे हो आपका ऑडियो रिकॉर्ड होके जा रहा है वो भी फाइल है, आप ईमेल भेज रहे हो तो आपका डाटा जा रहा है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल चाहिए, तो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। प्लस आप ब्राउजर के जरिए तो ये सब काम कर रहे हो भाई, फेसबुक मैसेंजर, याहू मैसेंजर हुआ आपका, ईमेल भेज रहे हो, ये सब कैसे कर रहे हो ब्राउजर से। मैंने बताया ब्राउजर किस पर काम करता है, एसटीटीपी पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर। तो एफटीपी के अलावा कौन सा यूज होता है, एसटीटीपी। और देखिए बेसिकली तो यही है, ज़्यादा डीप में ले जा नहीं रहा मैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन डीप में ले जाऊँगा। एक होता है एसएमटीपी, ठीक है, एक होता है टेलनेट, ये प्रोटोकॉल भी होता है टेलनेट, प्लस कमांड भी होती है अपनी सीएमडी में, कंप्यूटर पर रन में जाके आप टेलनेट को स्टार्ट करके, और जिसके कंप्यूटर में टेलनेट नहीं चल रहा है सीएमडी में, तो वो कंट्रोल पैनल में जाके विंडोज के फीचर्स को ऑन ऑफ करके टेलनेट को ऑन कर सकता है। ये रिमोट एप्लीकेशन थी जो पुराने टाइम पे यूज होती थी। ठीक है, तो बेसिकली अपने एप्लीकेशन लेयर का क्या काम हुआ, यूजर कनेक्टिविटी टू नेटवर्क थ्रू सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया ना, यूजर का इंटरफेस कराना किसके साथ, इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ, एप्लीकेशन के जरिए या सॉफ्टवेयर के जरिए। वो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताई दी अभी, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, ब्राउजर्स। एप्लीकेशन लेयर क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर होगा डाउट तो मुझे कमेंट करें। और सबसे गंदी आदत है आप लोगों की, कमेंट करके क्वेश्चन ही नहीं पूछते, दो चार पूछते, सब पूछा करो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो। ठीक है, दूसरी लेयर पर चलते हैं। दूसरी लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारा डेटा है, बड़े ध्यान से सुनना, हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, डेटा का फॉर्मेट क्या है। यानी मैं वीडियो चैट कर रहा हूँ तो वीडियो चैट सबसे पहले कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन लेयर में, फिर दूसरी लेयर में आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, दूसरी पे आएगा कौन, तो दूसरी लेयर पहचानेगी कि उस डाटा का जो एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ मेरे पास आया है उसका फॉर्मेट क्या है। आई मीन अगर आप वीडियो चैट कर रहे हो तो वो वीडियो का फॉर्मेट क्या है, MP4 है, MPEG है, AVI है, कैसी फॉर्मेट है उसकी। अगर आप ऑडियो कर रहे हो तो वो ऑडियो फाइल MP3 है या वेव है, कैसी फाइल है वो। अगर आप टेक्स्ट फाइल भेज रहे हो तो वो .txt है या .xlx है, या फिर आपकी DOC है या DOCX है, किस टाइप की है। अगर आप पिक्चर भेज रहे हो तो वो JPEG है या फिर PNG है या फिर BMP है या फिर TIFF है, किस फॉर्मेट में है जो डेटा आप भेज रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या आपके पास आ रहा है या जा रहा है, वो डेटा की फॉर्मेट क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कौन सी लेयर करती है, प्रेजेंटेशन लेयर उसको प्रेजेंट करती है डाटा फॉर्मेट। प्लस क्या करती है ये, एक तो क्या करती है डाटा का फॉर्मेट को एनालिसिस, प्लस एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है ये आपको आगे भी बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे इसको समझने में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। कि कोई भी डेटा है उसमें किसी एल्गोरिथम के जरिए उसको एनक्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट करना मीन्स जैसे आप एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम में, रीजनिंग की करते हो, तो रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं, नहीं पढ़ा हो तो मेरा एक और चैनल है एप्टीट्यूड अकेडमी इंडिया के नाम से, आप एप्टीट्यूड अकेडमी इंडिया डालोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें बहुत सारी वीडियो डली हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ की, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो
कोई डेटा है, मान लीजिए डेटा है मेरा, कोई हैरी डेटा है, कोई नाम है हैरी, इसको एल्गोरिथम इस तरीके से एन्क्रिप्ट कर देगी, यानी इसको इस तरीके से बदल देगी कि कोई भी बीच में हैकर हुआ, थर्ड पार्टी हुआ, इसको समझ नहीं पाएगा कि जो डेटा भेजा है वो क्या है, उसके हाथ पड़ गया तो हैरी को मान लीजिए उसने कर दिया, ठीक है, यानी रेस्ट हैश क्वेश्चन मार्क 5, इस हैरी को उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये एनक्रिप्ट हो गया, इसको मैं नहीं समझ सकता, अगर मुझे कोई दे इसको दे दे मुझे को इतना इतना, तो मैं इसको नहीं समझ सकता ये क्या है, ये हैरी है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ये एनक्रिप्ट करती है डेटा को भेजते समय, और जब डेटा लौट के आता है तो उसको क्या करती है, डिक्रिप्ट करती है, डिक्रिप्ट मीन्स इसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट भी करेगी अब, क्यों, क्योंकि वो अब मुझे बताएगी, मैंने भेजा था तब तो वो एनक्रिप्ट होके गया और उसके पास पहुंचेगा तब डिक्रिप्ट होगा, अगर उसने भेजा है तो फिर यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा वो, ठीक है, तो एनक्रिप्शन मीन्स किसी डेटा को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एल्गोरिथम के जरिए, और वापस उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना डिक्रिप्ट कहलाता है, तो इस लेयर के दो काम है, प्रेजेंटेशन लेयर के डेटा फॉर्मेट प्लस एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो अपनी डेटा कंप्यूटर से यहाँ पे आया, यहाँ से फिर प्रेजेंटेशन लेयर में आया, प्रेजेंटेशन लेयर से अपना जाएगा सेशन लेयर में, सेशन लेयर, सेशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेट होके समझ लो, सेशन लेयर कहते हैं कि जब हम किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जब हम किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं अपने ब्राउजर के जरिए, तो पर्टिकुलर पोर्ट डाटा जाता है, तो पोर्ट होते हैं पर्टिकुलर, पोर्ट 153 कुछ भी मान लो, उस पोर्ट में से पर्टिकुलर रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, तो सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आएगी पोर्ट के जरिए, और वो आप एक सेशन बना देगा, सेशन मीन्स पर्टिकुलर टाइम के लिए आप सर्वर से कनेक्ट हो, आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, याद रखना पर्टिकुलर सेशन में एक ही कंप्यूटर दो बार सेशन नहीं बना सकता, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा उससे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो वो देखेगा कि ये पहली रिक्वेस्ट ऑलरेडी है इस कंप्यूटर की मशीन एड्रेस की, आईपी एड्रेस की, उसको दोबारा परमिट नहीं करेंगे वो। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी लाइफ में, मैं जानता हूँ कि 50% लोग आप में से इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होंगे, जैसे नेट बैंकिंग, पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, व्हाटएवर, किसी बैंक का आप में से इंटरनेट बैंकिंग जो भी बंदा यूज करता होगा उनके लिए एग्जांपल बताता हूँ, फिर जो नहीं करते उनके लिए भी बताता हूँ मैं, ठीक है, तो सबसे पहले जिन जो करते हैं यूज उनके लिए सुन लो कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो पर्टिकुलर उस वेबसाइट को खोल के इंटरनेट बैंकिंग खोल लो अपने ब्राउजर में, ठीक है, खोल लिया, अब अगले टैब में, उसी ब्राउजर के अगले टैब में आप फिर से इंटरनेट बैंकिंग खोलो, नहीं खुलेगी वो इंटरनेट बैंकिंग, नहीं खुलेगी दूसरे टैब में, क्यों, क्योंकि आप पहले टाइम में कनेक्ट हो ऑलरेडी, आपका सेशन बना दिया उस पर्टिकुलर बैंक ने, उस बैंक के नेटवर्क ने आपने कंप्यूटर के साथ एक पर्टिकुलर सेशन बना दिया, वो दूसरा सेशन आपको नहीं बनाने दे सकती क्योंकि उसके पास आपके सिस्टम की रिक्वेस्ट ऑलरेडी है। अब देखो जो नहीं करते यूज उनके लिए एग्जाम्पल, उनके लिए एग्जाम्पल अभी देखो, मैं आपको अपना अपना सेशन बता रहा हूँ कि कैसे सेशन बनते हैं और कैसे परमिट नहीं होते, ठीक है। तीसरी चीज, ये पोर्ट को एनालिसिस करती है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, हर सर्विस के लिए पर्टिकुलर पोर्ट होता है, क्या होता है, हर सर्विस के लिए पर्टिकुलर पोर्ट होता है, पोर्ट मीन्स एक पाइप होता है, मान लीजिए 50 पाइप लगा दिए मैंने और अपने घर से बाहर, ठीक है, तो कोई भी सर्विस होगी पर्टिकुलर उसका एक अलग पाइप होगा, यानी मैं पर्टिकुलर इस पाइप में से जाऊंगी, मैं पर्टिकुलर इस पाइप में से जाऊंगी, एक ही पाइप में से दो सर्विस नहीं जाएंगी, क्यों, वरना वो आपस में लड़ जाएंगी, झगड़ जाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, भिड़ जाएंगी, पहुंची या नहीं पहुंची, बहुत सारी चीज, तो पर्टिकुलर पोर्ट्स का मैनेजमेंट करती है और हर एक सर्विस के लिए पोर्ट्स अलग अलग होते हैं। यूज कौन कौन से प्रोटोकॉल करती है, एफटीपी और एसटीटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कुछ एमसीक्यू भी डालूंगा, हो सकता है तो मैं PDF पे भी आपके MCQ बनाऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन देखना पहले वीडियो का। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है,
ट्रांसपोर्ट लेयर को सबसे बड़ी लेयर कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको सबसे बड़ी लेयर क्यों कहते हैं OSI मॉडल में? देखो ये क्या करती है, एंड टू एंड डिलीवरी, यानी कोई भी डेटा जा रहा है तो सोर्स से जा रहा है, सोर्स मीन्स मेरे कंप्यूटर से, डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ भेज रहे हो। जैसे मैं यहाँ से अमेरिका ईमेल भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यूएसए ईमेल भेज रहा हूँ, तो मेरा जो डेटा है वो यूएसए यूजर तक पहुँच जाए, उस डिलीवरी की गारंटी कौन लेता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी डेटा है, जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया हैरी, ऑथर हैरी चौधरी, ठीक है, तो मेरे नाम के जितने भी गूगल रिजल्ट बताएगा तो गूगल के लिए पहले रिक्वेस्ट जाएगी जो सर्च किया है मैंने, ठीक है, और वो सर्च वहाँ पे पहुँची और रिजल्ट लिए उसने और वापस फिर भेजा, फिर मेरे पास प्रेजेंट हुए वो रिजल्ट आके मेरे ब्राउजर में, तो वो पूरा एंड टू एंड डिलीवरी हुई सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, वो डेस्टिनेशन से सोर्स तक, ठीक है। दूसरा है TCP/UDP, ये फंडा बहुत समझने लायक है, बड़ा कंसंट्रेट होके समझिए इस चीज़ को। TCP तो होता है, क्या होता है TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएट का क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ इसी इसी में से। कैसे बन जाएंगे? सबसे पहले समझिए कि जो TCP है, TCP गारंटी लेता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कि मैं डेटा 100% पहुंचाऊंगा, और UDP गारंटी नहीं लेता है। यानी TCP तो क्या है, एक्नॉलेजमेंट रखता है अपने पास, एक्नॉलेजमेंट मींस प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजी और एक्नॉलेजमेंट लिया कि पहुंच गई प्रोसेस, फिर उसको वेरीफाई किया कि डेटा पहुंच गया। UDP में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट, डेटा को एक बार फेंक दिया, थ्रो कर दिया डेटा को, उसके बाद नो एक्नॉलेजमेंट, नो डिलीवरी कंफर्मेशन, नो वेरिफिकेशन, नथिंग। तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, TCP में सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मीन्स मैंने आपको पढ़ाया था सेगमेंटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी वीडियोस बनाई थी मैंने इसी चैनल पर, उनमें बताया था मैंने आपको सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है, अपना कोई बड़ा डेटा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्या कहलाता है सेगमेंटेशन, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन किसे बोलते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में वापस जोड़ना, क्या बोलता है, फ्रेगमेंटेशन। एंड सेगमेंटेशन बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में कहाँ पर सेगमेंटेशन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो याद रखना इन तीनों लेयर में तो डेटा का यूज होता है, डेटा का, इसमें किसका हुआ है, सेगमेंट का, याद रखना, ठीक है। और क्या करता है ये, डेटा एरर डिटेक्शन, डाटा में कोई एरर आ गया है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC चेकसम, बहुत सारे मेथड्स हैं डेटा करेक्ट करने के, ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि डेटा एरर डिटेक्शन कौन सी लेयर में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। जो डेटा आया है उसमें कोई एरर है क्या, एरर है तो उसका डिटेक्शन करना, उसको सही करना किस लेयर का काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे नेटवर्क लेयर, अगली लेयर कौन सी है हमारी, फिफ्थ, नेटवर्क लेयर। तो डेटा हमारा एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन आ गया, सेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, आपका आ गया नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, तो देखिए बच्चों नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि यहाँ पर डेटा आ गया, मेरा डेटा का पैकेट, डेटा चला सारी लेयर से होता हुआ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही नेटवर्क लेयर में आया तो ये है मेरा डेटा, मान लीजिए ये क्या मेरा डेटा, डेटा पैकेट है ये मेरा, ठीक है, इन लेयर से होता हुआ आ रहा है। अपन चर्चा ही किस पर कर रहे हैं, पूरा जो डेटा किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से आ रहा है OSI के जरिए, ठीक है। तो डेटा पर जैसे आ रहा है तो ये नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उस पर IP टैगिंग करेगी। IP टैगिंग मतलब IP एड्रेस डाल देगी उस डेटा पैकेट पर, यानी सोर्स IP, अपना IP एड्रेस, अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस, और डेस्टिनेशन IP जहां भेज रहे हैं उस कंप्यूटर का या मशीन का या सर्वर का IP एड्रेस, ये दोनों चीजें टैग चढ़ा देगी
जैसे ये डेटा है तो इस पे एक रैप चढ़ा देगी, रैपर, रैपर पर लिख रहा होगा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, जिससे ये सिस्टम पता लगा ले कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है मुझे। ठीक है, वहां पहुंच के क्या हुआ, जहां पहुंच गया वो डेस्टिनेशन पर, वो भी वापस ऐसा ही काम करेगी, क्यों, वो भी इन्हीं लेयरों से होता हुआ आएगा डाटा उधर से, तो वो क्या करेगी, सोर्स और डेस्टिनेशन डाल देगी, तो उसको याद रहेगा कि मुझे हैरी के कंप्यूटर पर ही पहुंचना है पर्टिकुलर डेटा को, याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ गया। यानी पता नहीं सकता खरबों अरबों मिलियंस बिलियंस डेटा जा रहा है आ रहा है, उसको क्या पता कि मुझे पर्टिकुलर हैरी के कंप्यूटर पर पहुंचना है इंटरनेट से, क्यों, इंटरनेट को तो पता नहीं कितने लोग यूज कर रहे हैं, उसको क्यों पता है कि मुझे हैरी के पास पहुंचना है, क्योंकि उसके पास आईपी गया था, किसका, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, कहां से आया हूं कहां वापस पहुंचना है मुझे, सिर्फ आईपी टैगिंग की वजह से वो मेरे पास आया। तो इसमें नेटवर्क लेयर में आईपी टैगिंग बहुत अच्छा फंडा था, क्वेश्चन बन सकता है आईपी टैगिंग कौन सी लेयर में होती है, तो नेटवर्क लेयर में। दूसरा, इससे पहले नेटवर्किंग से पहले मैंने वीडियो बनाई थी डेटा कम्युनिकेशन की, उसमें मैंने बताया था आपको राउटर स्विचेस हब्स, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेना एक बार। तो राउटर्स कहां पे यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर में, याद रखना, क्वेश्चन बनता है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, क्योंकि राउटर्स किसके जरिए काम करते हैं, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के जरिए। इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इंपोर्टेंट, आईपी और आईपीएक्स, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हो सकता है कि यहीं से पांच दो चार, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में से वो क्वेश्चन देगा, वो हो सकता है प्रोग्रामिंग में से दो क्वेश्चन दे दे और इसमें से दस क्वेश्चन दे दे, हो सकता है वो पांच क्वेश्चन ओनली वैसे ही मॉडल में से ही दे दे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। तो ये बहुत अच्छा है सिस्टम, अभी इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ होप कि वो आपकी समझ में आता जा रहा है। अब देखो हुआ क्या, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कैसे पता लगाओगे कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए पर्टिकुलर कंप्यूटर का कौन सा कमांड यूज करते हैं, या फिर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन बन सकता है कि आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए सिंपल है, आप लोग कंप्यूटर से भी हो तो आपको पता होगा कि अपने स्टार्ट बटन पर जाइए कंप्यूटर में, वहाँ रन पे जाइए, रन में लिखिए सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखिए आईपी कॉन फिग और एंटर मार दीजिए, क्या लिखोगे, आईपी कॉन फिग, आईपी कॉन फिग और एंटर मारोगे तो आपका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आईपी एड्रेस पता लगाते हैं अपना आईपी एड्रेस क्या है। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से डेटा नेटवर्क लेयर से कहाँ पे आ गया, डाटा लिंक लेयर में। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, उस पर मैक एड्रेस का टैगिंग लगा देती है, किसका टैग लगा देती है, मैक एड्रेस का। देखिए मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर हर डिवाइस कोई भी डिवाइस हो दुनिया की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबका एक पर्टिकुलर वेंडर सिग्नेचर वेंडर नंबर होता है। जैसे मेरा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का मशीन एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस को तो हम चेंज कर सकते हैं, आज मैं बीएसएनएल का सिम यूज कर रहा हूँ तो बीएसएनएल ने मुझे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दिया है, कल मैं जियो का करूंगा तो जियो मुझे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस देगा, कल मैं वोडाफोन एयरटेल अटरम जटरम बहुत सारे करूंगा तो सबका डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। फिर हो सकता है कि मान लो मुझे किसी को धोखा देना है तो मैं पर्टिकुलर हैकिंग के सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा, आईपी चेंज एक एक मिनट पर ऑटोमेटिक आईपी चेंज होती है, अमेरिका की आईपी दिखाएगा, मैं हूँ इंडिया में, यूएसए के, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की आईपी एड्रेस दिखाएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आईपी एड्रेस को कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मशीन एड्रेस को यू कांट चेंज मशीन एड्रेस, कभी चेंज नहीं होगा, जब तक वो सिस्टम है वो मशीन है तब तक उसका सेम एड्रेस रहेगा हमेशा लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या करती है ये लेयर, जैसे इस वाली लेयर ने, इससे ऊपर की लेयर थी जो नेटवर्क लेयर, उसने आईपी एड्रेस का टैग लगाया था, और ये वाली क्या करेगी, मैक एड्रेस का टैग और ठोक देगी, सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, लो। ठीक है, अब डेटा खोने के चांसेस और कम हो गए, पहले तो आईपी एड्रेस ही कंफर्म हो गया था, मुझे यहां से आ रहा हूं मुझे वहां पहुंचना है, डेटा पैकेट को पता था, लेकिन अब मशीन एड्रेस से उसको और कंफर्म हो गया कि अब मैं खोने का कोई चांस नहीं, क्योंकि मेरे पास सोर्स का आईपी एड्रेस भी है, सोर्स का मशीन एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन का मशीन एड्रेस भी है। यू गॉट इट। प्लस
इसमें तो सेगमेंटेशन था, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं फ्रेम। डाटा लिंक लेयर में जो टैग चढ़ाया है मशीन एड्रेस का, जैसे ये डेटा था इस पर टैग चढ़ाया है एड्रेस के जरिए, मैक का टैग, इसका मशीन एड्रेस का, ठीक है, चलो ये मैंने लेटर बना दिया, इस पर जो टैग चढ़ाया उसको क्या बोलते हैं फ्रेम। याद रखना क्वेश्चन बनेगा यहां से फ्रेम का। और इसमें राउटर यूज होता था नेटवर्क लेयर में, और डाटा लिंक लेयर में क्या यूज होता है स्विच। स्विच किस पे काम करते हैं, मैक एड्रेस पे। मैंने आपको बताया था डेटा कम्युनिकेशन वीडियोस में, इससे पहले जो वीडियो थी राउटर स्विच हब कैसे काम करते हैं, ये वीडियो थी, आप देख सकते हो जिन लोगों ने नहीं देखी। मैंने वहां बताया था कि स्विच किस पे काम करते हैं, मैक एड्रेस पर और राउटर आईपी एड्रेस पर। तो ये दोनों आगे याद करने की जरूरत है। अब देखिए लास्ट कहां पहुंचा वो डेटा, फिजिकल लेयर पर। तो फिजिकल लेयर पर पहुंचा, तो फिजिकल लेयर पर वो देखिएगा कि डेटा बाइनरी है या डिजिटल है, कौन सी केबल यूज हुई है, कौन सा सिग्नल आया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कनेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं, ट्रांसमिशन है, और इसमें हब यूज होता है। यानी इसको नहीं पता क्योंकि ये मैक एड्रेस तक पहुंच चुका है, उस नेटवर्क में पहुंच चुका है जहां उसको पहुंचना था, तो फिर उसको मशीन एड्रेस आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हब में क्या है, विदाउट मशीन एड्रेस आईपी एड्रेस के वो डेटा को फेंकता है इधर 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 सबके पास, जिसका होता है वो ले लेता है और बाकी के पास ही वो पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। एप्लीकेशन लेयर यूजर का सॉफ्टवेयर के जरिए इंटरनेट से इंटरेक्शन कराने के लिए कौन सी लेयर यूज होती है, एप्लीकेशन लेयर। यूजर कनेक्टिविटी टू नेटवर्क थ्रू सॉफ्टवेयर, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज है, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, गॉट इट। फिर वो डेटा कहाँ आया, प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में दो काम होंगे, डेटा की फॉर्मेट क्या है, जेपीजी है, पिक्चर फाइल है तो जेपीजी है कि वो बीएमपी है कि वो पीएनजी है कि वो टिफ है, ऑडियो फाइल है तो एमपी3 है, वेव है, कौन सी है, वीडियो फाइल है तो एमपी4 है, एमपीजी है, एवीआई है, एफएलवी है, एफएलवी को फ्लैश फाइल भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, ये चीज पता लगाएगी। प्लस एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेगी। एनक्रिप्शन मीन्स किसी डेटा को एल्गोरिथम के जरिए अननोन फॉर्मेट में, जिसको कोई समझ नहीं सके ऐसी फॉर्मेट में चेंज करना, डिक्रिप्शन मीन्स उस अननोन फॉर्मेट को एल्गोरिथम के जरिए रियल फॉर्म में वापस लाना। फिर आगे सेशन लेयर में, सेशन लेयर आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने बताया था कि एक बार में एक ही सर्वर से कनेक्टिविटी की रिक्वेस्ट जाती है किसी पोर्ट से होके, जैसे मैंने इंटरनेट बैंकिंग खोली तो वो मुझे एक ही बार अलाउ करेंगे सेशन बनाने के लिए, दो बार नहीं करेंगे, ट्वाइस, कि जैसे मैं दूसरे टाइम में वापस अपनी इंटरनेट बैंकिंग यूज करूँ, नहीं, एक बार ही सेशन क्रिएट होता है वन टाइम। सेशन को मैनेज करना और सेशन को खत्म करना, जैसे अपना काम पूरा हो गया तो सेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक और एग्जांपल दे दूँ इसका, जैसे पहले विंडोज एक्सपी में, विंडो इसमें 7 में भी आप कंप्यूटर को ओपन छोड़ दीजिए और हाफ एन आवर बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ऐसे आप फेसबुक को खुला छोड़ दीजिए, फेसबुक ने अब सेशन सिस्टम ऑन कर दिया है, हाफ आवर के समथिंग आपने खुली छोड़ दी, कुछ एक्टिविटी नहीं की तो वो लॉक हो जाती है, वापस पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। और बाकी मैंने बैंकिंग का एग्जांपल से आपको समझा दिया सेशन कैसे क्लियर होता है। पोर्ट्स मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर पोर्ट्स में से जाता है, पर्टिकुलर सर्विस किसी पर्टिकुलर पोर्ट्स में से जाती है, पोर्ट्स मीन्स पाइप एक तरीके से, और एक सर्विस का पर्टिकुलर सर्विस का पर्टिकुलर पाइप होता है, एक ही पोर्ट में से दो सर्विसेज या दो से अधिक सर्विसेज नहीं जा सकती, एक या एक से अधिक सर्विसेज नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि वो आपस में लड़ जाएंगी, भिड़ जाएंगी, जैम लग जाएगा, ट्रैफिक बहुत सारी चीज़। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज है, एफटीपी, एचटीटीपी, ओके। अगला है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये कंफर्म करता है कि एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, यानी डेटा जहाँ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की डिलीवरी कंफर्मेशन करता है। दो यूज होते हैं टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी मैंने बताया था एक्नॉलेजमेंट लेता है डेटा का, कंफर्मेशन लेता है, वेरिफिकेशन करता है पहुंचा के लिए। यूडीपी सिर्फ फेंक देता है, कंफर्मेशन नहीं करता। प्लस क्या करते हैं ये, एरर डिटेक्शन करते हैं, प्लस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। यानी सेगमेंटेशन कौन सी लेयर में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आईपी टैगिंग और राउटर। राउटर किसके साथ करते हैं, हमेशा आईपी के साथ काम। तो आईपी टैगिंग और राउटर्स, और दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं आईपी आईपीएक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल। फिर डाटा लिंक लेयर में आईपी के बाद मैक मशीन एड्रेस का टैग लग जाता है, और इसमें सेगमेंट लिया है, इसको क्या बोलते हैं डेटा को, फ्रेम, और ये स्विच पे काम करता है।
अगला है इसमें, इसमें बाइनरी है, डेटा डिजिटल है, केवल सिग्नल सब चीज की वेरीफाई करता है, पहचान करता है और हम इस पे काम करते हैं। तो सिंपल है। अब इसके एमसीक्यू देख लीजिए और किसी भी बच्चे को कुछ भी कंफ्यूजन आया है इसको समझने में वापस बता देता हूँ। इसको याद करने का फंडा मैंने शुरू में बताया था, पेन कॉपी से इसको दो बार भी आपने रजिस्टर में बना लिया ऐसे पूरा मेरी तरह, तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डाटा प्रोसेस ऐसे याद कर सकते हो, या फिर मैंने दूसरा तरीका भी बताया था आपको याद करने का, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेस, ठीक है। और नीचे से ऊपर याद करना हो, ये नीचे से ऊपर तो कैसे याद करोगे, प्लीज डाउन या फिर प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जास अवे, यानी प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जास अवे, नीचे से ऐसे याद करोगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज, मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में, प्लस एक फाइल और दूंगा आपको, तो जो भी बच्चे हैं इसके कमेंट में अपना ईमेल आईडी छोड़ते जाएं, सर प्लीज सेंड मी एमसीक्यू और अपना ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी सबसे पहले आपको छोड़ना है। प्लस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और प्लस एक बेल आइकन बना रहता है, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन बना रहता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो उससे क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, कोई भी नई वीडियो है एमसीक्यू डाला है मैंने तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही होता है बेल आइकन छोटा सा। तीसरी चीज, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ठोकना मत भूलें। और चौथी चीज, वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना भी नहीं भूलें कि कैसी लगी आपको वीडियो, प्लस अपना एमसीक्यू के लिए वीडियो वो ईमेल आईडी भी छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज बहुत पसंद आई होगी। कल मैं आपको आईपी और मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड देके और फिर मैं आपको क्रिप्टोग्राफी पढ़ाऊंगा। क्रिप्टोग्राफी मीन्स सिक्योरिटी कंसर्न नेटवर्क में, क्रिप्टोग्राफी में से दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 101%। उसके बाद सिक्योरिटी पढ़ेंगे और उसके बाद हो सकता है मैं प्रोग्रामिंग के वीडियोस स्टार्ट कराने वाला हूं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने लोग हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सअप फेसबुक पर, वीडियो का जो URL है एड्रेस होता है जो ब्राउज़र में, उसको कॉपी करके अपने फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए पोस्ट करके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में, फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। प्लस एक और चीज़, आप लोग फेवर करना चाहते हो इस चैनल के लिए, तो इस चैनल के शुरुआत में कोई वीडियो चलाते हो तो एक ऐड आता है छोटा सा, उस ऐड पर आपको एक बार दो बार क्लिक करना है और उसके बाद वीडियो देखिए, यही फेवर है, आपको ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर वो ऐड नहीं आया तो वीडियो वापस चलाइए, आ जाएगा तो उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ेदार वीडियो लेते हुए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली कराते हुए, कल फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।